कांशीराम जी ने ऐसा क्या काम किया था कि आज बहुजन समाज उनको याद करता है? कांशीराम जी एक समाज के बहुत बड़े मसीहा थे। उन्होंने अकेले ही पूरे समाज को जगाने का काम किया। जिस प्रकार से जो दलित शोषित और पिछड़ा समाज है, उस पिछड़े समाज को साहब कांशीराम जी ने न्याय दिलाने के लिए अकेले ही संघर्ष किया। वो अकेले ही चले थे पहले, वो चलते गए, फिर कारवा सारा जुड़ता गया। उन्होंने पूरे दलित शोषित समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा। वो एक इतने बड़े उन्होंने समाज को न्याय दिलाने के लिए तमाम उनके ऐसे कृतक वो रहे, उनके योगदान समाज के लिए तमाम त्याग करे कांशीराम साहब ने समाज के लिए, और समाज को जगाने के लिए वो पैदल भी चले, उन्होंने साइकिल से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी कि उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो। जिस प्रकार से जो मनुवादी शक्तियाँ कई हजारों सालों से जो हमारे दलित समाज का जो शोषण करती हुई आई थी, उनका जो तिरस्कार कर रहे थे लोग जाति सूचक के नाम पर, और तमाम इस प्रकार से जो दबा हुआ कुचला हुआ समाज था उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने अकेले लड़ाई लड़ी, पूरे समाज के को जगाने का काम किया उन्होंने। ऐसे ऐसे उन साहब के योगदान रहे, तो जो साहब का जो योगदान था उसे बहुजन समाज कभी भी भूला नहीं सकता। आज बहुजन समाज पार्टी जो समाज है, जिस प्लेटफार्म पे है, आज जिस प्रकार से उन्होंने DS4 बनाई, बाम से बनाई, आज बहुजन समाज पार्टी 1984 में साहब कांशीराम जी ने बनाई, वो इसलिए बनाई थी कि जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं उन्होंने कभी भी दलितों की तरफ देखा नहीं था। साहब कांशीराम जी का ऐसा मानना था कि जब तक हम लोग सत्ता में, हमारे समाज की भागीदारी नहीं होगी, जब तक हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए साहब कांशीराम जी ने सन 1984 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर 14 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी, और चार चार बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। ये साहब कांशीराम जी की देन थी। जो एक वो पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने इतने चार चार बार उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बना करके समाज को न्याय दिलाने का काम किया, और संसद तक समाज के लोगों को ले गए। वो जो और पार्टियां थी, जो और लोग थे, जो दलित समाज का वोट तो लेते थे, लेकिन दलित समाजों का सबसे ज़्यादा दमन दोहन और शोषण दूसरे लोग करते थे। इसलिए साहब कांशीराम जी का ऐसा मानना था कि जब तक हमारे समाज के लोग संसद में नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। ना आर्थिक तौर पर विकास हो सकता, ना सामाजिक स्तर पर विकास हो सकता, ना शिक्षा के स्तर पर विकास हो सकता, क्योंकि जो आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें केंद्र में रहीं उन्होंने कभी भी दलित समाज के ऊपर ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। जिस प्रकार से आज देख रहे हो किस प्रकार से दलित समाज का शोषण होता हुआ आ रहा है, उनको किस प्रकार से उनको ऊना कांड और तमाम ऐसी घटनाएं जो है देश में सामने आई, जिससे पूरा का पूरा जो समाज है वो आहत हो जाता है। बहुत ही शर्मनाक रवैया रहा इन सरकारों का, जो केंद्र में सरकारें रहीं उनके शर्मनाक रवैये की वजह से साहब कांशीराम जी जैसे महापुरुषों को लड़ाई लड़ने लगी पड़ी, और उन्होंने एक जंग लड़ी, उन्होंने अकेले जंग लड़ी, ठीक है, और उसका आज नतीजा है। आज जो समाज ये फल फूल रहा है, आज बहुजन समाज, आज जो जिस प्लेटफार्म पे बहुजन समाज आया है आज, वो किसी देवी देवता या भगवान की देन नहीं है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों की और साहब कांशीराम जी जैसों की देन है, जो आज ये समाज थोड़ा सा इसका जो स्तर थोड़ा सा आगे बढ़ा। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई थी, माननीय कांशीराम साहब ने एक पार्टी का एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हमारा समाज सत्ता में आकर के अपनी लड़ाई खुद लड़े, क्योंकि वो उनका ऐसा मानना था साहब कांशीराम जी का कि तुम्हारी लड़ाई ये दूसरे लोग नहीं लड़ने वाले, जब तक तुम खुद सत्ता में आकर के और संसद में नहीं जाओगे, अपनी सरकार नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होने वाला। आज हर कोई जब भी स्टेज पे जाता है या बड़े नेता बनने के लिए अपनी शुरुआत करता है तो बात करते हैं अम्बेडकर जी की, कांशीराम जी की, मायावती जी की, और लेकिन जब उनके घर में देखा जाए तो उनके ड्राइंग रूम में देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती है, घर में पूजा पाठ हो रखा होता है, वो अभी तक पूरी तरह से बहुजन क्यों नहीं बन पा रहे हैं, ये पाखंड छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब अपने टाइम में जब जो क्रांति करी थी, उस क्रांति के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यही कहा था बाबा साहब ने कि मंदिरों के दर्शन से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, ठीक है। तो बाबा साहब ने अपने समाज को समझाने के लिए ये बार बार कहा कि मंदिर की जगह आप विद्यालयों में एंट्री करो, ना कि मंदिरों में। लेकिन बाबा साहब ने तो अपनी बात को रखा, पूरे समाज के आगे रखा,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सामाजिक का जो स्तर होता है वो सारा का सारा जो हमारे देश की जो राजनीति होती है, जो देश के जो सर्वे सर्वा जो लोग होते हैं देश को चलाने वाले, उसको फॉलो करता है समाज, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज आज़ादी के बाद में जितनी भी सरकारें रहीं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की रचना करी, उन्होंने इस देश के लिए संविधान लागू किया, इस देश में संविधान बनाया, लेकिन क्या आज भी किसी भी स्कूल में संविधान पढ़ाया जाता है? क्या इन सरकारों को नहीं सोचना चाहिए कि हम स्कूल में संविधान पढ़ाएं? क्योंकि जब तक वो लोग स्कूलों में संविधान लागू नहीं करेंगे तो समाज के लोग कहाँ से उस आइडियोलॉजी को समझेंगे। आज आप देख लो, आज नवरात्रे चलते हैं तो सरकार की तरफ से बड़े बड़े दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, रामलीलाएं पेश की जाती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया उसमें सरकार लगाती है। जो मनुवादी सरकार है इसको तो मनुवादी सरकार कह सकते हैं ना हम, लेकिन क्या साहब कांशीराम की जो जयंती होती है या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती होती है, क्या कोई भी सरकार फूटी कौड़ी भी लगाती है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे? तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि आज भी समाज को ताकत ये लोग नहीं देते हैं। जो दलित समाज है ये कभी नहीं चाहते कि पढ़ लिख करके वो शिक्षित बने, पाखंडवाद को छोड़े, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक पाखंड रहेगा तब तक इनकी दुकानें चलती रहेंगी। तो इनकी दुकानों को, इनको डर रहता है कि इनकी दुकानें अगर बंद हो गई, अगर सभी लोग अम्बेडकरवादी बन गए तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बिल्कुल अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इनको डर सबसे ज़्यादा बाबा साहब के संविधान से लगता है, बाबा साहब के विचारों से इनको डर लगता है, इसीलिए तो ये लोग बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जो माला अर्पण करने के लिए जाते हैं वो तो ढोंग करते हैं। अगर सच्ची श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं तो बाबा साहब के प्रोग्राम क्यों नहीं होते समाज के अंदर? उनकी जयंती पर पैसा खर्च क्यों नहीं किया जाता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर भारत के रतन्नी थे? उन्होंने देश को क्या नहीं दिया? बाबा साहब ने पूरे दलित समाज को दिया, संविधान बनाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मंत्रालय उन्होंने अपने संविधान के अंदर बाबा साहब ने दिए, तो क्या बाबा साहब का कोई वजूद ही नहीं इस देश के अंदर? तो ये लोग दिखाते कुछ और है, करते और कुछ है। जब चुनाव की बात आती है तो दलितों का वोट लेने के लिए ये लोग बाबा साहब को माला अर्पण करने के लिए जाते हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो कि दलित, जिससे इनका जो दलित का वोट बैंक है वो पूरी तरीके से इनके फेवर में आ जाए। तो आपका जो क्वेश्चन था ना कि इनके ड्राइंग रूम में देवी देवताओं की फ़ोटो, ये हमेशा चाहते हैं कि दलितों का ब्रेन वॉश किया जाए, देवी देवताओं के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाए, ऐसी ऐसी भागवत बड़े बड़े पंडाल लगाए जाएँ जिसमें दलित समाज ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लंगर लगाए जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये रामलीलाएँ की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा दुर्गा पंडाल लगाए जाएँ, ताकि ये दलित समाज देवी देवताओं के नाम पर इनको बहकाया जाए और इनको नेगेटिव तरीके से इनको, मतलब ताकि ये लोग शिक्षा के स्तर पर आगे नहीं जाएँ, ये लोग मनुवाद की तरफ बढ़ें, ताकि इनकी धर्म की जो दुकानें हैं वो चलती रहें और फिर धर्म के नाम पर ये लोग अपनी राजनीति करते रहें। वो तो धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, जो आज भी इस पाखंडवाद को का पर्दाफाश करने के लिए बार बार चुनाव लड़ती हैं, वो बार बार उन्होंने लोगों को यही समझाने की कोशिश करती हैं। साहब मान्यवर कांशीराम साहब ने भी लोगों को यही समझाया था कि इन मनुवादियों के चक्कर में ना पड़ें, ये मनुवादी लोग सिर्फ अपनी दुकानें चलाने के लिए इस तरीके का प्रोपगेंडा अपनाते हैं। तो जो आपने ड्राइंग रूम की बात करी थी ना कि उसमें देवी देवताओं की फ़ोटो की, ये हमेशा दलित समाज का है ना ब्रेन वॉश करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि, और उसका मेन जो फैक्टर है ना वो यही है कि दलितों के घर में कभी कभी देवी देवताओं की फ़ोटो मिल जाती है। खैर ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, अब जो यूथ है, जो दलित समाज से जो यूथ जो पढ़ रहा है, और इन लोगों ने जो दलित समाज का जो कोटा है उस पर भी तो कई % उनकी किताबों पर भी टैक्स लगा दिया, तो ये कभी नहीं चाहते, ये जो मनुवादी सरकारें ये कभी नहीं चाहती कि जो दलित समाज है जो शिक्षा के स्तर में आगे बढ़े या राजनीतिक स्तर में आगे बढ़े, ये कभी इसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन दलित समाज पूरी तरीके से, मतलब शिक्षा के स्तर में या राजनीति के स्तर में आगे बढ़ गया, तो इनकी जो इनकी जो कहानियाँ चल रही हैं, इनका जो पाखंड चल रहा है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। आपने बात की युवाओं की, तो युवाओं के जो नेता आते हैं अक्सर वो आते ही मायावती जी की बराबरी करने लगते हैं या उनकी बुराई करने लगते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही करते हैं या ये किसी का एक खेल का नतीजा है मायावती जी को गिराने का? देखिए, ये जो सरकारें हैं, जो केंद्र में सरकारें हैं या जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, तो इनकी जो राजनीति है ना, इनकी राजनीति अलग तरह की राजनीति है। जितने भी जो नेता मायावती जी के जो नेता होते हैं बहन जी के, या जो चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में, या वो बहन जी की बुराई करते हैं, उनको खरीदने की कोशिश की जाती है। आज देश में क्या चल रहा है,
आज देश में खरीदा ही तो जा रहा है, जीएसटी गिरती है गिरने दो, वो जी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है गिरने दो, जीएसटी लागू होती है होने दो, प्याज महंगा होता है होने दो, लेकिन खरीदने के लिए इन लोगों के पास में विधायक सांसद एमएलए खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन देश में लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो यही कारण होता है जो हमारे भोले वाले विधायक और सांसद होते हैं, या तो उनको धमकाया जाता है, या फिर उनको पैसे से खरीदा जाता है, या फिर उनको ये कहा जाता है कि भाई तुम पे ये केस लगा देंगे, ये मुकदमा लगवा देंगे, ये कर देंगे, तुम उनका साथ छोड़ दो, उनकी बुराई करो। इसीलिए जो पावर है, ये पावर का दुरुपयोग करते हैं ये लोग, इस वजह से बहन जी की वो लोग उनसे बुराइयाँ करवाते हैं और उनको धमकाया जाता है इस तरीके से कि वो लोग, इसमें बराबरी वाली कोई बात नहीं है। बहन जी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर सांसद उनका सम्मान करता है, लेकिन क्या है ना कि पावर ना होने की वजह से ये लोग उनको घेरने की कोशिश करते हैं। अभी राजस्थान में देखा क्या हुआ, एक नहीं दो नहीं पूरे 5 जा रहे हैं, पूरे 6 जा रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है इन लोगों के पास में, कौन देता है इनको पैसा? ये आपका और हमारा पैसा ही तो है जिससे ये लोग सरकार खरीद, विधायकों को खरीदते हैं, लेकिन देश में लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, विधायक और मंत्रियों को करने के लिए इनके पास में पैसा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।